कोई यूट्यूब फैमिली कैसे अच्छा लगा ही हुआ सलो बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अलहमदिल्ला से। तो आज की वीडियो का करेंगे आगाज़ सुबह सुबह। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की धूप ही निकली हुई, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। और अभी सुबह सुबह मैं हस्बैंड वगैरह काम पर चले गए हैं, तो तकरीबन टाइम मैं आपको बता देती हूँ, टाइम तकरीबन 9:30 हो चुके हैं। तो मैंने घर के काम वगैरह कर लिए और बर्तन वगैरह भी सभी मैंने धो धो के सब कुछ मैं रेडी हो गई, बिल्कुल सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए। तो अब मैं सिर्फ मेरा रह गया नाश्ता। तो मैंने सोचा कि ना आज वीडियो बना लेती हूँ, तो जो भी दिन भर होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, तो फिर बाद में। तो अगर मैं वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा करो, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकता है। कभी भूलिएगा ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके जी फ्रेंड, हस्बैंड आ चुके हैं काम से, तो छुट्टी शायद जल्दी होगी तो इस वजह से ना। तो अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं, टाइम 12 बजने में 10 मिनट पड़े हैं। तो उनको लगी है भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए भी खाना बना लेती हूँ। तो गोभी वाले परांठे बनाने हैं, तो जल्दी जल्दी से मैंने आटा निकाल दिया है और चाय रख दी है ऊपर। मैंने कहा चाय बन जाए, चाय भी साथ ही परांठे के साथ अच्छा लगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चीनी पत्ती सारा कुछ ऐड कर दिया, जल्दी से बन जाए हमारी चाय। और जब तक हमारी चाय बनती है ना, तो मैं पेड़े बना लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने रोटी बेली है मैं। हम इसको बेल लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने गोभी ऐड कर दी, अब अच्छे से ना कवर कर लेती हूँ कि सालन बाही ना। तो अब मैं बेल लेती हूँ रोटी को। यहाँ पे मैंने रोटी बेल ली है और हमारा तवा भी गर्म हो गया है। और यहाँ पे मेरी दूसरी रोटी भी रेडी हो गई है। जी फ्रेंड्स, मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने दो परांठे बनाए, एक हस्बैंड के लिए एक अपने लिए। और अब मैं चाय कप में ऐड कर लेती हूँ और साथ में मैंने थोड़ा सा सालन भी ले लिया। और यहाँ पे दोबारा चाय गर्म हो रही है क्योंकि ठंडी हो गई थी। अब मैं कमरे में जाती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने चाय ना ले ली, अब हम चलते हैं कमरे में। तो अब पानी भी ले आते हैं। जी फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और ना अब थोड़ा सा काम है, और थोड़ा सा काम है हमें हसन लोगों की तरफ। तो हम जा रहे हैं हसन लोगों के घर, और जो भी काम है तो वो काम भी करेंगे। वैसे भी काफ़ी दिन हो गया हसन लोगों की तरफ नहीं गए हुए, मतलब कि मेरी कज़न है और उनकी तरफ जाना है। तो थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया, तकरीबन टाइम हो गया 4:30 हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हसन लोगों की तरफ, तो फिर थोड़ी बहुत जो भी होगी गपशप वो कर लेंगे हम। जी फ्रेंड्स, मैंने दुपट्टा ले लिया, अब हम चलते हैं हसन लोगों की तरफ और थोड़ा सा काम है, वो काम भी हो जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, मैं अब जा रही हूँ हसन लोगों की तरफ और आज तो शाम होगी, शाम टाइम मैं जा रही हूँ। शाम का टाइम हो गया, हवा भी काफ़ी अच्छी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी।
फ्रेंड्स, मैं हसन घर पहुंच आई और अब ऊपर चलते हैं। आज हसन है नहीं, हसन के छोटे भाई ने दरवाजा खोला, वो लगता है ट्यूशन गया हो। हसन और मैं यहाँ पे बाहर एरिया में आ गई हूँ क्योंकि अभी तक हसन नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो हसन भी आ जाए, पर अभी वो ट्यूशन गया हुआ। मैं आपको बैक कैमरे से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा बना हुआ ये चेक कर। कैका भी खाना खा रहा है और देख रहा है कार्टून। ओके फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियोस को यही एंड करते आई हूँ। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बार वक्त मिल सकता है। ओके अल्लाह, फिर मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग। ओके अल्लाह, बाय।